दोस्तों आप अपने आईफोन के थ्रू बहुत सारी वेबसाइट वगैरह ब्राउज करते होंगे और कई कई जगह आपको अपना पासवर्ड डालने की ज़रूरत होती है, यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप अपने आईफोन के अंदर कैसे सिक्योरली जो वेबसाइट के पासवर्ड और जो यूज़र नेम वगैरह होते हैं उसे सेव कर सकते हैं और उसे कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ताकि आप जब भी कोई वेबसाइट पे जाए अपने आईफोन के अंदर, तो वहाँ पे अगर आपको वो यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना हो वो पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे आपने वो पासवर्ड सेव किया है वहाँ से ऑटोमेटिकली वो ऑटो फिलअप हो जाएगा। तो आज मैं आपको एग्जैक्टली पूरे स्टेप बताने जा रहा हूँ कि कैसे सिक्योरली आप उसे सेव करेंगे, बाद में कैसे उसे ऑटो फिल करेंगे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अपने फ़ोन को कैसे सिक्योर करना है, क्योंकि अगर आपने उसमें अपने फ़ोन के अंदर वो सारे आईडी पासवर्ड वेबसाइट के डाल दिए हैं तो आपका फ्रेंड भी वो पर्टिकुलर फ़ोन खोल के उसमें से देख ले सकता है, तो आपको थोड़ा उसमें सिक्योरिटी लगानी होगी। तो सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। iOS 12 के अंदर बहुत अच्छा सा एक पासवर्ड मैनेजर है, वो iCloud जो किचन वगैरह है उसके थ्रू मैनेज होता है, तो आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं आईफोन के अंदर। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने आईफोन के अंदर पासवर्ड वगैरह सेव करना चाहते हैं वेबसाइट के यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह, तो आप अपने आईफोन के अंदर पासकोड का लॉक लगा दीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा, किसी पर्सन को पता होगा कि कैसे वो पासवर्ड देखते हैं, तो आपका आईफोन लेके वो उसमें से वो पासवर्ड देख लेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप पासकोड का लॉक लगा दीजिए। यहाँ पे मैंने वो नहीं लगाया है डेमो के लिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने आईफोन के अंदर वो पासवर्ड लगा दीजिए, ताकि कोई भी पर्सन आपका आईफोन अनलॉक नहीं कर सके, या तो अनलॉक करने के बाद अगर अंदर भी जाए सेटिंग्स वगैरह में तो कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो बिना पासवर्ड के देख नहीं पाए। यहाँ पर मैं अपने आईफोन के अंदर यूज़ कर रहा हूँ iOS 12 वर्ज़न है, तो आपको जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में से आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पासवर्ड एंड अकाउंट्स ये है, तो आपको जाना है पासवर्ड अकाउंट्स में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेबसाइट एंड ऐप पासवर्ड, यहाँ पे जब मैं अंदर गया तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो यहाँ पर जब आप प्लस बटन टैप करेंगे तो यहाँ पर आप नया वेबसाइट का पासवर्ड कॉम्बिनेशन वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट का नाम डालना है, यहाँ पे यूज़र नेम डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे सफारी ब्राउज़र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है, ट्विटर वेबसाइट है, तो यहाँ पर मुझे लॉगिन करना है, लेकिन मुझे ऑटोमेटिक लॉगिन करना है, तो मुझे यहाँ मैन्युअली वो पासवर्ड एंटर नहीं करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कि जो भी वेबसाइट आप ब्राउज़ कर रहे हैं तो पहले उसका डोमेन नेम देख लीजिए। यहाँ पे मैंने ये मोबाइल ब्राउज़र में किया है, तो यहाँ पे है mobile.twitter.com, तो मुझे ये याद रखना है, और बाद में यहाँ पे जाना है मुझे जो सेटिंग्स में हम गए थे वेबसाइट एंड ऐप पासवर्ड, उसमें जाना है, यहाँ प्लस टैप करना है, और यहाँ पे वेबसाइट का जो नाम है मुझे वही डालना है mobile.twitter.com, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया mobile.twitter.com, और यहाँ पे मुझे डालना है यूज़र नेम, यानी ट्विटर में जो भी आप फ़ोन नंबर डालना चाहते हैं या तो फिर अपना ईमेल वगैरह, तो ये भी मैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए एक टेस्ट डेटा डाल देता हूँ, और यहाँ पे मुझे डालना है पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आप ट्विटर वेबसाइट में आपने रखा है वो पासवर्ड आपको डालना है, तो यहाँ पर भी मैं टेस्टिंग के लिए एक पासवर्ड डाल देता हूँ, ये डाल दिया, बाद में मुझे टैप करना है डन बटन। जैसे मैंने टैप कर दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि twitter.com test@test.com यूज़र, और यहाँ पे वेबसाइट का डोमेन mobile.twitter.com ये सेव हो गया। तो अब मुझे बाहर जाना है, और बाहर जाने के बाद मुझे ऑटोफिल पासवर्ड को ऑन करना है। ये सेटिंग जब मैंने ऑन कर दिया, बाद में अब मैं वेबसाइट पे जाऊंगा सफारी में, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं लॉगिन करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, फोकस रखा, तो मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सजेशन मिल जाएगा कीपैड के अंदर, पासवर्ड फॉर दिस वेबसाइट test@test.com डन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि की का सिंबल है, जब मैं उसे टैप करूँगा तो जितने भी मैंने वो सेव कर रखे वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि दो तीन मैंने ट्विटर के कर रखे, तो यहाँ अदर टैप करके दूसरा यहाँ से मैं चूज़ कर सकता हूँ, मैंने एक ही रखा है, यहाँ मैंने चूज़ कर लिया, तो जैसे मैं चूज़ कर लूँगा तो सिंपली यहाँ पे वो फिलअप हो जाएगा, और मुझे सिंपली टैप करना है डन बटन। फिर से एक बार देख लेते हैं, चलो अगर ये पासवर्ड है, अगर मैं चाहूँ तो फिर से ये डिलीट करके फिर से एक बार बताता हूँ,
कि जैसे आप कोई भी इनपुट की पासवर्ड यूज़र और पासवर्ड इनपुट की फील्ड में आप कर्सर रखेंगे तो तुरंत ही आपको सजेशन मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा तो यहाँ पे उसने डोमेन डिटेक्ट कर लिया और जो मैच हो रहा है वो यहाँ पे मुझे सजेशन दे दिया। अगर वही है तो मुझे सिंपली वही चूज़ करना है। जैसे ही चूज़ कर लिया तो यहाँ पे फिलअप हो गया, मैं लॉगिन कर सकता हूँ। तो ऐसे आपके पास जितने भी वेबसाइट वगैरह आप मैनेज करते हैं वो सारी वेबसाइट के पासवर्ड वगैरह आप यहाँ पे प्लस बटन दबा के सेव कर सकते हैं, और आप चाहे तो उसे एडिट भी कर सकते हैं। एडिट में जब गए तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से अगर किसी डिलीट करना है तो आपको सिंपली वो चूज़ करके यहाँ पे डिलीट टैप करना है तो वो डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। और अगर आपको इसमें यूज़र नेम या तो पासवर्ड सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो सिंपली टैप कर दिया, बाद में यहाँ पे एडिट कर गया। एडिट में जाएंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आप वेबसाइट का नाम चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वेबसाइट का नाम चेंज करना है तो आप फिर से डालिए, यहाँ पे आप सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड ही चेंज कर पाएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है क्योंकि वेबसाइट जो है वो मेन की इन्फॉर्मेशन है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, यूज़र नेम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और आप अपने हिसाब से यहाँ पे मल्टीपल, अगर ट्विटर का आपके पास ट्विटर का 4-5 अकाउंट है तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल दीजिए, और जब भी आप वहाँ पर लॉगिन करने जाएंगे तो आपको सजेशन उसके हिसाब से मिल जाएंगे, उसमें से आप चूज़ करके डायरेक्टली पासवर्ड फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि आपने ये सब डाल तो दिया, जैसे मैंने बताया कि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई आपका फ्रेंड वगैरह उसे थोड़ा बहुत पता है कि कैसे पासवर्ड देख सकते हैं तो वो इजीली सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में से पासवर्ड अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे जाके वो आपके सारे पासवर्ड देख लेगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आप अपने आईफोन के अंदर ये पासवर्ड और अकाउंट अगर सेट करते हैं कोई भी पासवर्ड तो आपको इसके ऊपर पासकोड लॉक लगा देना है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं टच आईडी एंड पासकोड, मैं अंदर जा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे पासकोड ऑन कर देना है ताकि मेरा जो कोई भी फ़ोन है वो देख नहीं पाए मुझे यूज़ एनीवे। फिर से मैंने ये कर दिया, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ डेमो के लिए कि कैसे जो टच आईडी और पासकोड, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो फ़ोन है वो यहाँ पे पासकोड अप्लाई हो गया है। अगर आप कोई चाहे तो भी अनलॉक करने के लिए पासकोड डालना पड़ेगा, ये फ़ोन तो अनलॉक हो गया। बाद में सेटिंग्स में जा रहा हूँ, सेटिंग्स में से यहाँ पे मैं पासवर्ड अकाउंट में जा रहा हूँ और यहाँ पे अगर मैं उसे देखने की कोशिश करता हूँ तो मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा क्योंकि अंदर जाने से पहले मुझे पासकोड डालना होगा। जब पासकोड डालूँगा तभी मैं अंदर जाके ये सारे जो अकाउंट है उसकी इन्फॉर्मेशन देख पाऊँगा। तो अगर आप अपने आईफोन के अंदर ये जो पासवर्ड और अकाउंट वगैरह सेट करते हैं वेबसाइट के ऑटो फिलिंग के लिए, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप हमेशा अपने आईफोन के अंदर पासकोड जो है वो लगा दीजिए, अदरवाइज़ ये ज़्यादा सेफ नहीं है क्योंकि कोई भी पर्सन आपका फ़ोन ले लेगा और उसमें से देख लेगा कि कितने कितने पासवर्ड उसने सेव कर रखे हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपने अपने आईफोन के अंदर जो पासवर्ड एंड अकाउंट के अंदर जो भी वेबसाइट और ऐप के पासवर्ड सेव कर रखे हैं उसे आप कैसे एक आईफोन में से दूसरे आईफोन में सेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास दो डिवाइस है, दूसरे डिवाइस में आपको सेंड करना होता है तो आप कैसे सेंड कर सकते हैं, या तो फिर कभी कभी हम शेयर्ड पासवर्ड यूज़ करते हैं, दो फैमिली मेम्बर के बीच में कॉमन पासवर्ड कॉमन अकाउंट वगैरह होता है तो कभी कभी दूसरे फ़ोन में सेंड करना होता है, वो कैसे सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा ये जो आईफोन है उसके अंदर मैंने ये कि आईडी और पासवर्ड ये सेट कर दिया है और दूसरा यहाँ पे मुझे पासकोड लगा रखा है इसलिए मुझे लॉगिन करना होगा। और यहाँ पे जब मैं सेटिंग्स में से जा रहा हूँ और उसमें से मैं पासवर्ड एंड अकाउंट में जा रहा हूँ तो यहाँ पे ज़ीरो है, यानी कोई भी पासकोड वगैरह नहीं है। तो अगर मैं ये फ़ोन में से यहाँ पे अगर सेंड करना चाहूँ तो मैं एयरड्रॉप के थ्रू सेंड कर सकता हूँ। कैसे करना है, मुझे ये डिवाइस के अंदर जाना है, सिंपली अंदर गया, मुझे जनरली इसे टैप करूँगा तो ये छोटा मेनू आ जाएगा, यहाँ से मुझे चूज़ करना है एयरड्रॉप। तो जैसे मैंने चूज़ कर लिया तो मेरे आसपास जितने भी डिवाइस के अंदर एयरड्रॉप ऑन है वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, ये पर्टिकुलर जो फ़ोन का जो मॉडल है ये मॉडल है। तो यहाँ पे मैंने टैप कर दिया, जो जैसे मैंने टैप कर दिया तो मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि एक पासवर्ड आया है तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना है, एक्सेप्ट कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये डिवाइस के अंदर भी ऑटोमेटिकली वो कन्फिगर हो गया है। यहाँ पे मैं अगर पासवर्ड और अकाउंट्स में जा रहा हूँ
और उसमें से आप जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये आ गया। तो एक डिवाइस में से दूसरे डिवाइस में पासवर्ड भी ऐसे हम शेयर कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। वो ये पर्टिकुलर डिवाइस के जनरली ये जो पासवर्ड एंड अकाउंट्स जो एप्लीकेशन है उसमें सेव हो जाएगा। लेकिन आपको ये तभी शेयर करना है अगर दोनों डिवाइस आपके ही है, या तो फिर आप कॉमन अकाउंट यूज़ कर रहे हैं और पासवर्ड शेयर करना चाहते हैं तो मैन्युअली हर एक डिवाइस में आपको वन बाय वन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक डिवाइस में आपने डाल रखा है और कभी भी एयरड्रॉप के थ्रू भी आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे टैप कर दीजिए तो जब भी मैं चैनल पे नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपके डिवाइस में उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।